मैं झूला झूला मुझे अम्मा इतना छोटा था हमारा इतना बड़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ और घर की क्लीनिंग वगैरह जो है मैं शीशे वगैरह ग्लिंट से ही साफ़ करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो भी शीशे की चीज़ें हैं वो आप इससे ज़रूर साफ़ किया करें, आपकी चीज़ें चमक जाएंगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपकी शीशे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही क्लीन कर देता है। तो सारी जो डस्टिंग वगैरह है, मैं जो जितनी भी शीशे की चीज़ें होती हैं वो मैं ग्लिंट से ही करती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त चमक गई हैं चीज़ें। तो यहाँ पर घर की सफ़ाई वगैरह तो चलती रहती है और यहाँ पर जो है मैं आपसे मुझे ये कहना है कि मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह 8000 हो गए हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके इतने अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों के मुझे इतने कमेंट्स आते हैं। तो आप लोग अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को शेयर करें और मुझे मेरे सब्सक्राइबर को 10000 तो ज़रूर लेकर जाएं। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड कुछ वेजिटेबल्स ले आए थे, तो वेजिटेबल्स का यही है कि मैं हमेशा धो के अच्छी तरह तो जब जाके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो है फ्रिज में मैं गंदी नहीं रखती और ना ही रखनी चाहिए, हर चीज़ को वॉश करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर टमाटो वगैरह को मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने एक कपड़े से इनको ड्राई करके तो फिर मैं इसको बास्केट में लगा रही थी। यही होता है कि जो फ्रिज है उसमें आपकी जो भी चीज़ें रखें उसको आप बहुत केयर करके अच्छी तरह रखें, क्योंकि चीज़ें फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको हरी मिर्चें स्टोर करने का तरीका बताया था, और भी बहुत सी जो है वो वेजिटेबल्स आप अच्छी तरह स्टोर करके फ्रिज में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज फिश का सालन बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद है और मछली का सालन तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे भी बच्चों को सबको मछली ज़रूर खिलानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म कर लिया था, इसमें मैंने तड़के में कड़ी पत्ता लिया है 2-3, और यहाँ पर मेथी दाना लिया था, ज़ीरा, और ये सब चीज़ें मैंने तड़के में डाली हैं। उसके बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, 2 प्याज़ें ले ली थी, अदरक लहसुन ले लिया था, उन सबको एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब दही मैंने लिया है, उसमें कुछ मसाले डाल लिए हैं, उसमें मिर्चें, हल्दी, धनिया है, भुना कुटा ज़ीरा है, थोड़ी सी कुटी मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करें और उसके बाद मैं इसको मसाले में शामिल कर दूंगी। अच्छा, मछली का ये है कि उस बहुत जल्दी से आपको पता है वो बन जाती है, कुक हो जाती है, तो उसका मसाला हमने बहुत अच्छे से भूनना होता है मछली का। तो ये मैंने प्याज जो है अच्छी तरह से इसको भून लिया था, अब मैंने इस मसाला डालूंगी, उसके बाद इसको भूनूंगी। जब तक आप मसाले को अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो आपका मछली का सालन जो है वो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। पहले मैंने देखें बग़ैर पानी के, दही के पानी में खुद ये भुना है अच्छी तरह मसाला, उसके बाद मैंने देखें इस तरह से, अभी भी ये जो है इसकी पहचान ये है कि थोड़ा सा फटा फटा सा लगता है, ये अभी सही भुना नहीं है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डालने के बाद इसको दोबारा भूनूंगी, क्योंकि भूनने का मकसद ये है कि जो मछली है वो ज़्यादा देर कुक नहीं होगी तो हमारा मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भुनेगा तो वो कच्चापन आएगा उसमें। तो इसलिए मैं मसाले को लाजमी भूनती हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें अब मेरा मसाला भुन चुका है, अब यहाँ पे मछली मैंने वॉश करके रख ली थी। अच्छा, मछली के धोने का तरीका मेरे पास मेरी इसी वीडियो में नीचे मौजूद है इस चैनल पर, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा मछली को किस तरह से वॉश करते हैं। मेरी तमाम जितनी भी और भी रेसिपीज़ हैं वो इस चैनल पे मौजूद हैं, आप ज़रूर देखें। और यहाँ मछली को इसको सालन में डालने के बाद मैं इस तरह की इसको हिलाऊंगी, क्योंकि अपने चमचा नहीं चलाना वरना मछली टूट जाएगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मछली को हम गलाने के लिए रख दें, और इस तरीके से मैंने इसको मछली को कवर कर दिया है लो फ्लेम पर, तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। तो यहाँ पर यह है कि कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा साथ ही साथ ये भी धो लूँ। तो यहाँ पर ये होता है कि जितने भी आप कुकिंग वगैरह करते हैं तो बर्तन तो ज़रूर निकलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप कुकिंग करें और बर्तन ना निकलें।
तो मैं उसके साथ ही साथ जो है वो बर्तन भी इसीलिए क्लीन करती रहती हूँ ताकि बर्तन बहुत ज़्यादा ना जमा हो जाएं। तो इतने सारे लोग जो है वो कमेंट्स में मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ही हम लंच बॉक्स आइडियाज़ हमें दें, बच्चों को लंच में हम क्या दें। तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं ऐसी भी बनाऊंगी कि बच्चों को लंच में क्या देंगे। तकरीबन 5-6 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है मुझे, तो वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको साथ शेयर करूंगी लंच बॉक्स आइडियाज़। और यहाँ पे देखें हमारी मछली पकते हुए 15 मिनट हो गई थी। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दें मछली के अंदर। मछली के सालन में ज़रूर कसूरी मेथी ऐड किया करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखें हमारी मछली बिल्कुल डन हो गई है। इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया था, वो स्किप हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारी मछली बिल्कुल डन हो गई है। और आज मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त ऑयल के रिव्यू दे रही हूँ। अच्छा, ये सईद गनी का मगज़ियात ऑयल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। ये मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ और इससे बालों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत जल्दी होती है। जिसको इशू है कि हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती, हमारे बाल छोटे हैं और ड्राई हैं और हमारे बाल जो है वो रफ़ नज़र आते हैं। तो बाज़ घरों में तो आपको पता है खारे पानी का भी इशू होता है, तो उससे भी बाल रफ़ हो जाते हैं। तो ये ऐसा ऑयल है कि बस आप ये इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप कुछ इस्तेमाल ना करें। जो आप रेगुलर अपना शैम्पू करते हैं वही करते रहें, लेकिन जो ये ऑयल है ये सारी चीज़ें, इसमें मगज़ियात है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं एक साथ, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑयल है। मैं तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त मैंने इसका रिज़ल्ट पाया है, जब ही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं ये। तो ये मगज़ियात ऑयल सईद हनी वालों का है, बहुत अरसे से मैं इस्तेमाल कर रही हूं, तो आप भी इसको ले सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये। तो यहाँ पर ये है कि इसमें ये होता है कि 2 टाइम मैं जो है वो वीक में 2 टाइम्स मैं इसको अप्लाई करती हूँ, डेली नहीं करती। वीक में 2 टाइम अप्लाई कर लें रात को और फिर उसके बाद दोपहर तक अपना सर जो है वो वॉश कर लें, तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और यहाँ पर जी हमारी मछली बन गई थी। तो यहाँ पे चावल मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि फ़िश के साथ मोस्टली जो है हम लोग बॉईल राइस खाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जो फ़िश के साथ रोटी खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों को ज़्यादातर चावल ही पसंद है फ़िश के साथ। तो यहाँ पर वही ज़ीरे वाले जो राइस होते हैं वो तैयार कर रही हूँ मैं, प्लेन राइस। उसमें यह है कि ज़ीरा डालते हैं और चावल वगैरह डाल के, सिर्फ नमक डाल के उसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़िश का सालन भी रेडी है, चावल भी रेडी हो रहे हैं। मुझे इतने सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि आप ही, सर्दियाँ आ गई हैं उनके लिए आप सर्दियों के आइटम भी बनाएं। वैसे मेरे चैनल पे सर्दियों की हर रेसिपी जो है आपको मिलेगी, सूप भी मिलेगा और गाजर का हलवा भी मिलेगा। आप मेरे चैनल पे जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है मैंने अपनी जो चैनल है वो इसी से शुरू करा था। पहले मैं रेसिपीज़ बनाती थी तो उसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उसमें भी मैं आपको रेसिपी ज़रूर देती हूँ। तो देखिए हमारा जो है चावल और मछली के सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।